हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम रिलेशनल अलजेब्रिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्लास में हमने बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स थे। आज हम एडिशनल रिलेशनल अलजेब्रिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला ऑपरेशन है सेलेक्ट ऑपरेशंस। सेलेक्ट ऑपरेशंस का यूज़ हम किसी टेबल से अथवा रिलेशन से पर्टिकुलर टपल्स को किसी कंडीशंस के आधार पर सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। ये सिमिलरली मतलब बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे SQL के अंदर सेलेक्ट कमांड का यूज़ हम करते थे। सेलेक्ट कमांड का यूज़ हम डेटाबेस से टेबल डेटा को रिट्रीव करने के लिए करते थे। तो ये भी उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि कैसे हम अलजेब्रिक फॉर्म में डेटा को डेटाबेस से रिट्रीव करते हैं। तो इस ऑपरेटर को सिग्मा सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है। इस ऑपरेटर का यूज़ टपल को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है जो कि किसी दी गई कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि किसी स्टूडेंट्स नाम का कोई टेबल है, रिलेशन है, उससे केवल उन स्टूडेंट्स का डेटा सेलेक्ट करना जो जौनपुर में रहते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, जौनपुर। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कुछ पर्टिकुलर रो या फिर टपल आएंगे रिजल्ट्स के रूप में, तो वो उनके लिए हम सेलेक्ट ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। यह एक यूनरी ऑपरेशन है। यूनरी ऑपरेशन का अर्थ है कि यह ऑपरेशन एक बार में केवल एक ही रिलेशन के ऊपर हम परफॉर्म करेंगे, न कि यूनियन, कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर इंटरसेक्शन की तरह, जहाँ पर हमें दो रिलेशन्स की आवश्यकता होती थी। नोटेशन, इस ऑपरेशन का नोटेशन कैसे, तो रो उसके बाद पी आर ब्रैकेट के अंदर, तो रो यहाँ पे सिलेक्शन ऑपरेशन को डिनोट करता है। पी क्या करता है, प्रोपोजिशनल लॉजिक फार्मूला, मतलब कि इसके अंतर्गत जैसे एंड और नॉट लॉजिक्स का यूज़ करते हैं हम, या फिर रिलेशनल ऑपरेटर जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू इत्यादि से कंपैरिजन करते हैं हम कि उन स्टूडेंट का डेटा सेलेक्ट करिए जिनका सिटी जौनपुर। तो सेलेक्ट डेटा फ्रॉम टेबल वेयर सिटी इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हम इक्वल टू जो है ये प्रोपोजिशनल लॉजिक फॉर्मूला है और आर रिलेशन का नाम है। इसको हम एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। स्टूडेंट नाम का एक टेबल है जिसके अंतर्गत चार एट्रीब्यूट्स हैं। क्या क्या, आईडी, नेम, ब्रांच और एड्रेस। तो अब हमें ऐसे स्टूडेंट का डेटा सेलेक्ट करना है जो मलनी में रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रो यानी सेलेक्ट ऑपरेटर, उसके बाद क्या है, प्रोपोजिशनल लॉजिक फार्मूला। तो जिसके अंदर मैंने बताया था आपको कि रिलेशनल कंपैरिजनल ऑपरेटर या फिर लॉजिक, इन सारे ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। तो हमने क्या लिखा है, एड्रेस। तो यहाँ पर जो इक्वल टू है ये क्या है, प्रोपोजिशनल लॉजिक फॉर्मूला। तो एड्रेस इक्वल टू मलनी और ब्रैकेट के अंदर रिलेशन, रिलेशन का नाम के मतलब टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो ये जो हमने क्वेरी लिखी है इससे क्या होगा, उन स्टूडेंट्स का डेटा आएगा जिनका एड्रेस मलनी है। तो किनका किनका एड्रेस मलनी है, जिनकी आईडी 1 है और जिनकी आईडी 3 है। ये सिमिलरली वैसा ही है जैसे हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करके करते हैं। तो ये जो है ये यूज़र द्वारा परफॉर्म नहीं होता, एक सामान्य यूज़र इसे नहीं करता, जो भी हमारा DBA होता है वो इसे डिज़ाइन करता है, इसे क्वेरी को बनाता है। सामान्य यूज़र के लिए तो केवल जो भी हमारा GUI फॉर्म में है डेटाबेस के, कि टेबल के अंदर जाके डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे करेंगे यूज़, ये आपको बता। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्ट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और, जो हमने सेलेक्ट ऑपरेशन का यूज़ किया है तो ये क्या है, ये बेसिक ऑपरेशन है, ये कोई डिराइव्ड ऑपरेशन नहीं। इसे हम सिंगल ही परफॉर्म कर सकते हैं, इसे परफॉर्म करने के लिए किसी अन्य ऑपरेटर्स की आवश्यकता नहीं होती, जैसे डिवीज़न के केस में होगी।